हेलो दोस्तों, सुनने स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि जो अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ की ट्रिक और बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है उनकी ट्रिक, इन दोनों ही को इसी वीडियो में देखेंगे। तो अरब सागर की ओर जो नदियाँ निकलती है, नैनी जाती है अरब सागर की ओर, तो उसका अपवाह तंत्र को याद करने की ट्रिक, तो उससे है सालू सु सोमा का जवाई, यानी सालू सु या सालू से सोमा का जवाई बड़ा मीठा बोला। क्या हुआ? सालू सु सोमा का जवाई बड़ा मीठा बोला, होता है ना कभी कभी, तो सालू से याद करना। सासे हो गया साबरमती, लू से हो गया लूणी, सू से हो गया सूकड़ी, सूकड़ी से याद करना कि सूकड़ी में होगा। देखो आगे बताऊंगा, सूकड़ी हो गया, सो से हो गया सोम, जो भी सोम है, माँ से हो गया माही, काको छोड़ देना, जवाई से हो जाएगा जवाई नदी, बड़ा से हो गया बांडी नदी, ठीक है, मीठा से हो गया मीठड़ी नदी। और मीठड़ी के बाद में याद रखना कि जो सूकड़ी मीठड़ी एक ही लैंग्वेज, देखो एक ही है लास्ट की डी डी सम में है, तो इसमें सूकड़ी हो गया, इसमें मीठड़ी हो गया, और ऐसे ही एक नाम है लीलड़ी, तो वो भी कौन सी नदी है, वो भी अरब सागर की ओर जाने वाली नदी है। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक हो गई सालू सु सोमा का जवाई बड़ा मीठा बोला। इसको 10 से 12 बार बोलना, जिससे आपको याद हो जाए, ये 10 से 12 बार बोलना और इसको फिर एग्जाम्पल लेना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको ये याद है या नहीं। तो दोस्तों याद रखना, सालू सु सोमा का जवाई बड़ा मीठा बोला, इसमें कोई कंफ्यूजन की है नहीं, याद हो जाएगा आसानी से। एक ट्रिक है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, यानी जो बंगाल की खाड़ी में जाती है नदियाँ उनका अपवाह तंत्र, बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ जाती है, तो उसका है चंबल बना यमुना पर काल। चंबल क्या हुआ? चंबल बना यमुना पर काल, याद करना है चंबल बना यमुना पर काल, वैसे ऐसे याद रख लेना कि बंगाल की खाड़ी, वैसे चंबल से हो गया चंबल नदी, याद करने की ट्रिक, बना से हो गया बनास नदी, यमुना से हो गया यमुना नदी, पर से हो गया परवण नदी, और काल से हो गया काली सिंधी नदी। इनसे याद करना कि चंबल नदी में जितनी भी नदियां हैं, चंबल नदी की जितनी सहायक नदियां हैं, वो सब किस में आ जाएगी? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों में। और बनास में जो भी सहायक नदियाँ हैं वो भी क्या होगी, जो बंगाल की खाड़ी में जाएगी, वो इनकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी, यमुना की, परवण की और काली सिंधी की। तो काली सिंधी की सहायक नदी कौन सी है? परवण नदी है। तो दोस्तों याद रखना इन सभी की हम ट्रिक लेके, चंबल नदी की कौन कौन सी नदियाँ हैं तो उनके बारे में ट्रिक, बनास की सहायक नदियों की ट्रिक, काली सिंधी की सहायक नदियों की ट्रिक, अभी तो बस ये याद रखना कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए तीनों याद रखना। एक तो अंतःप्रवाह वाली नदियाँ जो हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया है, उससे अब इसके बाद में है जो अरब सागर की ओर जाती है नदियाँ उनके बारे में, और ये बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों ये है आज की ट्रिक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों हम लोग रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और राजस्थान के जो वनपाल, वन रक्षक, हाई कोर्ट, पटवारी, इनमें जो इम्पोर्टेंट ट्रिकें हैं जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, इतने याद नहीं रख सकते, तो उनके लिए हम इन सभी की ट्रिकों के माध्यम से लेकर आएंगे, जिससे आप सभी को याद करने में परेशानी नहीं हो। फिर हम बेसिक वीडियो भी बनाएंगे, अभी जो ट्रिकें हैं इम्पोर्टेंट उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद आपका।